चिल फार्मिंग टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपका मुर्गी भी खाना नहीं खा रहा है? तो देखिए आपका मुर्गी का क्या दिक्कत है ठीक से, और उसके बाद आप मेडिसिन यूज करिएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जो फीमेल है वो ठीक से खाना खा रहा है, लेकिन जो मेल दो को खड़ा है वो नहीं खाना खा रहा है। तो किस वजह से खाना नहीं खा रहा है उसको ठीक से देखना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आपका इलाज करना पड़ेगा। तो आप लगातार देख रहे हैं कि खाना वहाँ पर डाला जा रहा है, लेकिन सिर्फ फीमेल खा रहा है और मेल खाना नहीं खा रहा है। ठीक है, देखिए अभी देखिए खाना उसका पास चला गया, फिर भी खाना नहीं खा रहा है। खाना को वो देख भी नहीं रहा, मतलब क्या दिक्कत हो गया है इस मेल को, मतलब एकदम से खाना नहीं खा रहा है। तो देखिए खाना नहीं खा रहा, तो फिर इसको चेक करेंगे ठीक से कि इसका हजम हो रहा है कि नहीं। पहले आप चेक करो मुर्गी का कि हजम ठीक से हो रहा है कि नहीं, कहीं इसका पोटा तो बंद नहीं है। अगर वो भी सब ठीक है तो फिर उसका मुंह में देखो कि कहीं इन्फेक्शन नहीं हो गया है। तो हम इसको चेक करे हुए हैं, इसका पूरा सब ठीक ठाक है, मतलब हजम होता है ठीक ठाक से। सुबह एक भी उसको दाना नहीं है उसका पेट में, आप देख लीजिएगा, जैसे कि इस मेल का भी देख लीजिएगा, और इसका है तो देखिए इसका फुला हुआ है, लेकिन हम सबका नहीं है खाना, उसका पेट में एक भी खाना नहीं है। तो ठीक से देखेंगे ठीक ना। तो हेलो दोस्तों, देखिए इसका मुंह में छाली पड़ गया है, जैसे इंसानों का मुंह में इन्फेक्शन होता है वैसा ही इसका भी इन्फेक्शन हो गया है। ऊपर तरफ देखिए थोड़ा जो रेड कलर का आपको देखने को मिल रहा है, सफ़ेद सफ़ेद, देखिए रेड कलर का तीन को डॉट आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ इसको इन्फेक्शन हो गया है। अब बात करते हैं इसको कौन सा मेडिसिन देना पड़ेगा होने से ठीक होगा। देखिए दोस्तों, तो उसके लिए आप ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सिर्फ लाजी लीजिएगा मेडिसिन से, और उसके साथ देखिएगा जब मुंह में उसका इन्फेक्शन हो सकता है तो उसका पेट में भी कुछ इन्फेक्शन होगा, हजम भी थोड़ा कम होगा। अगर ठीक ठाक हजम हो रहा है तो कार्मोजाइम देने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, अगर हजम कम हो रहा है तो कार्मोजाइम साथ में चला दीजिएगा, कार्मोजाइम देने से बेहतर होता है, कार्मोजाइम उसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और इसका डोज के बारे में आपको बता रहे हैं, जैसे ये बीमारी ज़्यादातर जैसे 3 महीना 4 महीना मेल को होता है, फीमेल को ज़्यादातर नहीं होता है, तो इसको आप आधा एम एल करके दे सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आधा एम एल और कार्मोजाइम आधा एम एल। अगर उससे छोटा चूजा है तो 5 फोटा दे सकते हैं, जैसे 1 महीने का 1.5 महीने का 5 फोटा करके दे सकते हैं, और जैसे बड़ा रहेगा 3 kg 4 kg वजन होगा तो उसको आप दे सकते हैं 1 ml, यानी कि 1 ml विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और 1 ml कार्मोजाइम। इस तरह से आप दवाई खिलाइएगा, और देखिएगा अगर आपके मुर्गा सफ़ेद पीट कर रहा है, जैसे थोड़ा कुछ टाइम सफ़ेद पीट कर रहा है कुछ टाइम ठीक कर रहा है, तो उसके साथ मेरीक्विन सिरप या मेरीक्विन जो 50 mg का टेबलेट मिलता है वो आप लीजिएगा। अगर मतलब मुर्गा ठीक से नहीं रहता है और अगर सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि खाना नहीं खा रहा है ठीक से और बाकी सब ठीक ठाक है, तो मुंह में देखिएगा अगर इन्फेक्शन है तो बी कॉम्प्लेक्स और कार्मोजाइम दीजिएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं लग रहा है, सब ठीक ठाक है, तो फिर ये सब मेडिसिन छोड़ के और एक मेडिसिन आपको यूज करना पड़ेगा।
अगर देखिए सब ठीक ठाक है तो आपको ये दोनों जो बाएं तरफ मेडिसिन दिख रहा है वो कार्मोजाइम बी कॉम्प्लेक्स उसको नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आप ब्रोटोन खिलाइए सुबह शाम खाना खाने के बाद, तो आपका मुर्गा ठीक से खाना खाएगा, ठीक ना। जैसे कि ज़्यादातर कोई बीमारी मतलब हो जाता है मुर्गी को, मुर्गी थोड़ा दुर्बल हो जाता है तो उसके बाद आपको ऐसा दिखने को मिलता है कि खाना ठीक से नहीं खाता है, तो आप ब्रोटोन खिला लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। और अगर आपको मुंह में कुछ छाली पड़ गया है, मुंह में इन्फेक्शन हो गया है, तो बी कॉम्प्लेक्स और कार्मोजाइम दे दीजिएगा, होने से ब्रोटोन मत खिलाइएगा, ठीक है। तो ये रहा आपको पूरा इन्फॉर्मेशन। ये मुर्गा मेरा पूछा हुआ है, पालतू है, इसीलिए बैठा हुआ है, ये भागेगा नहीं, देखिएगा ये भागेगा नहीं, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, चैनल को इसी तरह जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, होने से जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा।